मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इंडियन आर्मी सोल्जर रिक्रूटमेंट फॉर मैन। तो अच्छी तरह से सुनिएगा क्योंकि मैं भी इंडियन नेवी का जो सोल्जर है वहां पे मैं रिक्रूटमेंट देके आया हूं, एक बार नहीं दो बार दिया हूं। तो ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं क्योंकि इंडियन आर्मी इंडियन नेवी एयरफोर्स तीनों का जो सिस्टम है थोड़ा एक जैसा ही है। और ये जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं और डाटा भी मैंने कलेक्शन कर ली है। तो अच्छी तरह से सुनिएगा, मैं हर चीज बताऊंगा डिटेल्सली और उसे अच्छी तरह से सीखिएगा और तभी जाएगा, बड़ा आप फेल होके लौटोगे। लाखों लोग जाते हैं लेकिन वहां सक्सेस हो नहीं पाते, रिक्रूटमेंट में पास नहीं हो पाते। तो अच्छी तरह से मैं जो बोलूंगा वो सीखिएगा और उसी तरह से फॉलो करेगा और उसी तरह से आप जाइएगा तो ही आप सक्सेस होके आ पाएंगे। तो ठीक है, सुनिएगा। इंडियन आर्मी वर्ल्ड के फोर्थ लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आर्मी है, तो आप समझ सकते हैं कि चार नंबर में है इंडियन आर्मी पूरे पृथ्वी के। तो यहां पे हर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, लाखों लोग इंडियन आर्मी में हर साल भर्ती होना पसंद करते हैं, चाहते हैं कि हम इंडियन आर्मी में भर्ती होए, लेकिन वो लोग भर्ती हो नहीं पा रहे, सिर्फ कुछ लोग ही वहां पे जाके भर्ती हो पाते हैं। पहले के जमाने कुछ और थी लेकिन अब कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो चुका है, आप वैसे वैसे जाके सिलेक्ट नहीं हो सकते। तो मैं आप लोगों को ध्यान से बताऊंगा, ध्यान से सुनेगा, थोड़ा भी मिस कर दिया तो आपका गया, नौकरी गया। मैं इंडियन आर्मी के तीन वैरायटीज के बारे में बोलूंगा और वो है जनरल ड्यूटी, क्लर्क और टेक्निकल, ओनली फॉर मैन। तो पहले मैं इन तीन वैरायटीज के क्वालिफिकेशन के बारे में बोलूंगा, उसके बाद बोलूंगा मैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट और उसके बाद बोलूंगा मेडिकल टेस्ट और रिटेन टेस्ट भी बोलूंगा, क्या क्या रिटेन टेस्ट मतलब होता है। और आप लोगों को वो भी बोलूंगा वहां पे आपको रिक्रूटमेंट डे के दिन आपको क्या क्या ले जाना चाहिए और आपको कौन सी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया था, मुझे अच्छी तरह से पता है कौन सी चीज ले जाने। पहले मैं क्वालिफिकेशन बोलूंगा तो आप लोग सुनिएगा ध्यान से, कौन सी क्वालिफिकेशन होने से आप पहले आप एप्लीकेशन के लिए मतलब एप्लीकेशन इंटरनेट में भेज पाओगे या ऑफलाइन भेज पाओगे या ओपन रैली में जा पाओगे, अदरवाइज आपको गेट से ही निकाल दिया जाएगा, भागा देंगे ऐसे बोल लेंगे तो आपको भगा देंगे, आप सुन लीजिएगा ध्यान से। तो इंडियन आर्मी के सोल्जर के लिए जनरल ड्यूटी सोल्जर के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा मैट्रिक में 45% मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए और आपका एवरी सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% होना चाहिए। अगर मैट्रिक में वो नहीं है तो आपका जो हायर सेकेंडरी होगा 10+2 वहां पे आपको पास करना होगा, 10+2 आपको पास होना चाहिए, वहां पे परसेंटेज वो लोग नहीं चाहते हैं, वहां पे आप लोगों को ऐसे ही हो जाएगा। तो आपको 10+2 पास करना होगा, 30% हो या वैसे में पास करना होगा आपको 10+2। उसके बाद मैं बोलूंगा सोल्जर के टेक्निकल, सोल्जर टेक्निकल मतलब आपका हायर सेकेंडरी में साइंस होना मास्ट भी जरूरी है, विदाउट साइंस आप टेक्निकल में ज्वाइन नहीं कर सकते हो इंडियन आर्मी सोल्जर में टेक्निकल में। तो उसका क्वालिफिकेशन कुछ इस प्रकार के है, 10+2 पास इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, मतलब 50% जो है वो आपका एवरेज होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए आपका एवरेज वो 50% होना चाहिए आपका और 40% मार्क्स इस सब्जेक्ट में आप इन चार सब्जेक्ट में आपको होना ही चाहिए, अगर नहीं होते तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो सोल्जर का टेक्निकल ये है। उसके बाद मैं आप लोगों को बोलूंगा सोल्जर क्लर्क, क्लर्क में आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए हाई सेकेंडरी में, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी चल जाएगा विथ 60% इन एग्रीगेट, मतलब आपको फर्स्ट डिवीजन में पास करना होगा क्लर्क के लिए और उसके साथ साथ हर सब्जेक्ट में आपको 50% मतलब 50
मार्क्स हर सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए, अगर विदाउट आप नहीं क्वालिफाई कर सकते हो। मैं आप लोगों को बताऊंगा इंडियन आर्मी के सोल्जर के जनरल ड्यूटी, टेक्निकल और क्लर्क के जो फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं वो क्या होना चाहिए, मतलब आपका हाइट कितना होना चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहां पे इंडियन आर्मी में कुछ कुछ इंडिया के कुछ कुछ प्लेस में जहां लोगों की हाइट छोटी होती है वहां के लिए 160 सेंटीमीटर रखा है, 160 सेंटीमीटर, और कुछ जगहों के लिए उन लोगों ने 162 सेंटीमीटर रखा है। जब आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वहां पे आप देख लीजिएगा कितना रखा है, कुछ कुछ जगहों के लिए 162 सेंटीमीटर रखा है, और जो इंडिया के साउथ में रखा है मतलब वहां के लिए 166 सेंटीमीटर रखा है, मतलब आपका अगर 170 सेंटीमीटर होगा तो ओवरऑल अच्छा होगा, आपको मतलब सिलेक्ट करने में उन लोगों को परेशानी नहीं होगी, मतलब आप वो आप लोग ऐसे माप करते रहेंगे निकाल लेंगे कुछ भी हो सकता है, एक सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर के लिए निकाल देते हैं, तो 170 सेंटीमीटर होगा तो अच्छा होगा, एकदम बढ़िया होगा, फिट हो जाओगे आप अच्छी तरह से। फिजिकल स्टैंडर्ड में और दो चीज आते हैं हाइट के अलावा, और दो चीज आते हैं वो है आपका चेस्ट, ये चेस्ट ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 77 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, जहां वहां अगर वहां पे वो माप करेंगे जब वो 5 सेंटीमीटर तक फूलना चाहिए। उसके बाद आता है वजन, वेट आपका कितना होना चाहिए, तो वो है 50 केजी होना चाहिए आपका वेट, तो ध्यान रहे आपका 50 केजी हो ही हो, वरना आप मत जाओ वहां पे रिजेक्ट कर देंगे, तो ठीक है यहां पे ये फिजिकल स्टैंडर्ड है। उसके बाद हम आते हैं एज लिमिट के बारे में आते हैं, आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, मतलब एज एकदम पूरा वो लोग करेक्ट देखते हैं, एक दिन भी छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होनी चाहिए, एक दिन क्या एक घंटा ऐसा भी हो जाता है, मतलब एक दिन भी अगर आपका ऊपर नीचा हो गया ना वो निकाल देंगे, कोई भी नहीं सोचेंगे वहां पे। तो बताता हूं मैं, सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए होता है 17.5 years to 21 years, और सोल्जर टेक्निकल के लिए होता है 17.5 years to 23 years, यहां पे थोड़ा ज्यादा दिया है 23 कर दिया है क्योंकि ये टेक्निकल है। उसके बाद आता है क्लर्क के लिए, क्लर्क के लिए भी वही है जो टेक्निकल में दिया है, क्लर्क के लिए भी वही है 17.5 years से 23 years तक आप लोग फिट हो सकते हैं, उससे कम उससे ज्यादा नहीं होगा, तो आपको ध्यान रहा आपका एज बिल्कुल परफेक्ट हो यहां से मिल जाए। टेक्निकल और क्लर्क के मेडिकल स्टैंडर्ड के तरफ, तो इसमें आपके कौन सी होनी चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा, आपका जो शरीर और बॉडी है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब रोबास्ट फिजिक्स बोला है, रोबास्ट फिजिक मतलब शरीर एकदम हिस्ट पुस्ट होना चाहिए, और मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए, दिमागी हालत आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो ये बोला है पहली लाइन में। उसके बाद बोला है जो आपका चेस्ट है, ये चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर मैंने पहले ही बोल दिया है। उसके बाद ये 5 सेंटीमीटर तक फूलना चाहिए, ये बोला है 5 सेंटीमीटर फूलना ही चाहिए, ये बोला है। और थर्ड में बोला है आपका जो आंखें है वो अच्छे से आपको दिखाई देनी चाहिए, मतलब चश्मा इस तरह की आपकी नहीं होनी चाहिए, चश्मा लगाने वाला ऐसा कुछ, तो यहां पे उन लोगों ने एक बोला है 6x6 इन डिस्टेंट विजन शॉर्ट विथ ईच आई, मतलब 6x6 इन डिस्टेंट विजन होनी चाहिए, आंखें आपकी अच्छी होनी चाहिए, मांस भी, या आंखें से उन लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और कलर विजन के बारे में बोले हैं आंखें के CP3 होनी चाहिए, CP3 अगर नहीं होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये बोला है आंखों के बारे में। उसके बाद बोला है दांतों के बारे में, टीथ, डेंटल हेल्थ के बारे में उन लोगों ने बोला है आपके दांत कैसी होनी चाहिए, तो उन लोगों ने बोला है 14 डेंटल पॉइंट होनी ही चाहिए आपके दांतों में, 14 डेंटल पॉइंट, इसका मतलब लगभग 28 टीथ या 28 दांत होनी चाहिए आपके दांतों में, आपके दांत होना चाहिए 28 दांत, तो ये ध्यान रहे अगर उससे कम होगा तो शायद
वो लोग रिजेक्ट भी कर सकते हैं, मुझे इतना ज़रा पता नहीं। उसके बाद आता है आपका जो कुछ इस प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए, पाइल्स इस तरह की आपका बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर पाइल्स या कुछ इस तरह की बीमारी होगी तो आपको सीधा डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे। वो आपको खोल के देखेंगे, आपके कपड़े पूरा खोल के न्यूट करके नूट करके नेकेट करके आपको देखेंगे इंडियन आर्मी में। आपका अगर पाइल्स हुआ तो आपको सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, तो बाकी सब ऐसा ही है। इन्फेंट्री के लिए वही बोला है कि सोल्जर जनरल ड्यूटी इन्फेंट्री के लिए 6x6 आई साइट होनी चाहिए, 6x6 वही बोला है, मतलब आंखें अच्छी होनी चाहिए। तो यही है मेडिकल स्टैंडर्ड में, तो ये आप ध्यान से सुनिए। के बाद हम आगे बढ़ते हैं इन तीनों वेराइटीज के फिजिकल फिटनेस टेस्ट, वहां पे क्या क्या वो लेंगे। तो यहां पे वो लोग पहले रन लेंगे, दौड़ाएंगे आप लोग को, वो है 1.6 किलोमीटर। आपको 5 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करनी होगी या उससे पहले, उसके बाद आओगे तो गए। उसके बाद आएंगे पुल अप। पुल अप मतलब आप समझ सकेंगे तो ऐसे जो करते हैं इस तरह की, ये पुल अप होते हैं, ये जो आप यहाँ पे पकड़ के जो इसे पुल अप कहते हैं। तो ये आप मिनिमम 10 बार आपकी क्षमता होनी चाहिए, सिक्के जाने के घर में अच्छी तरह से, ये वहां पे आपको 10 बार देंगे, ये आपको 10 बार करनी होगी, तो आप अच्छी तरह से करना है पुल अप। उसके बाद आएंगे बैलेंस देखेंगे आप लोग। तो बैलेंस के लिए आप लोगों को वहाँ पे एक थोड़ा सा एक लकड़ी का ऐसा टुकड़ा देंगे, वहाँ पे आपको मतलब वॉकिंग करके या थोड़ा दौड़ के ऐसे उसको पार कर जाना है। तो ये कहते हैं बैलेंस देखेंगे, इस तरह से थोड़ी चीज़ें तेरा बेरा होगा, वहाँ पे आप लोगों को बैलेंस देखेंगे। इसमें भी आपको फेल नहीं होना है, फेल हो गए तो गए। उसके बाद आएंगे 9 फीट डिच। ये क्या है आप लोगों को पता है, एक गड्ढे हो गए ऐसा, 9 फीट का गड्ढे, उस गड्ढे को आपको पार करना है जंप मार के, हाई जंप ही समझ लीजिए, हाई जंप मतलब लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप समझ लीजिए, लॉन्ग जंप करके आपको पार करना है। वो 9 फीट को आपको पार करना ही पड़ेगा, तभी आप पास हो गए। तो ये है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। और उसके बाद वो लोग आपको पुशअप भी करने दे सकते हैं, किंतु क्योंकि इंडियन नेवी में पुशअप होते हैं और उठक बैठक भी होते हैं। उठक बैठक जो होता है वो स्क्वाट कहते हैं, स्क्वाट वो 20 बार होते हैं, 20 बार उठक बैठक। और पुशअप जो होते हैं, पुशअप जो इसे पुशअप करते हैं वो 10 बार देते हैं, 10 बार। तो ध्यान रहे ये आप लोग सीख के जाएगा घर में, अच्छी तरह से सीख के जाएगा। अगर दौड़ पास करके ही आप पास नहीं हो सकते, यहाँ में भी ये जो फिजिकल फिटनेस है इसको भी आपको पास करना ही पड़ेगा, वरना आप पास नहीं होगे। सिर्फ रन से पास नहीं हो सकते, रन तो आपको 1.6 किलोमीटर 5 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करना ही है इंडियन आर्मी में। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में ज़्यादा देते हैं टाइम, लेकिन इंडियन आर्मी में सिर्फ 5 मिनट 30 सेकंड देते हैं। तो ध्यान रहे बट है रिटेन टेस्ट के बारे में, रिटेन टेस्ट ये देख लीजिए, रिटेन टेस्ट। यहाँ पे इन तीनों वैराइटीज का मतलब जनरल ड्यूटी, सोल्जर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल और क्लार्क के, इन तीनों वैराइटीज का रिटर्न एग्जाम थोड़ा अलग होगा, मतलब इतना अलग भी नहीं होगा लेकिन थोड़ा अलग होगा। जो जनरल ड्यूटी होते हैं वहाँ के लिए आपको सिंपल चीज देखनी पड़ेगी, मतलब जनरल नॉलेज इंग्लिश मैथमेटिक्स और साइंस की थोड़ी जो क्लास 10 में जो होते हैं उसी प्रकार की आपकी नॉलेज आपकी होनी चाहिए। एक बुक्स खरीद लेना इंडियन आर्मी का, ये वैसे ऑफिसर का है, टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर का, लेकिन आप लोग जाके दुकान में खरीद लेना एक, इतना प्राइस भी इतना ज्यादा नहीं है, 200 रुपए के अंदर आ जाएंगे, तो वहां पे आप एक खरीद लेगा। इंडियन एयरफोर्स में रिटेन एग्जाम क्या करते हैं, पहले ही ले लेते हैं, मतलब आपको पहले एंटर होके आपको रिटेन एग्जाम देना पड़ता है। अगर वहां पे आप पास हो गए तो आपको पिछला जो PFT और मेडिकल टेस्ट वहां पे आप क्वालिफाई हो पाओगे, वहां पे इंडियन नेवी में वैसा होता है, क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। इंडियन आर्मी में भी वैसा ही होगा, मतलब रिटेन टेस्ट पहले ही होगा, तो आपको मार्क्स जो पहले रिटेन एग्जाम को जो क्वालिफाई मार्क्स है तो उसमें आपको क्वालिफाई करना है, वरना आप फेल, मतलब रिटेन एग्जाम मार्क्स भी पास्ट।
आपको पास होना ही पड़ेगा। तो ठीक है, रिटर्न एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयरिंग करना, मतलब दुकान से 2-3 किताब खरीद लेना, करंट अफेयर्स देख लेना, और जो बॉलीवुड का भी न्यूज़ देते हैं, मैं मतलब हम जो देते हैं बॉलीवुड का भी आए थे, पॉलिटिक्स का भी वो लोग देते हैं, और हिस्टोरी इस तरह की वो लोग जो क्वेश्चन पेपर है वो देते हैं। वहाँ पे करना कुछ है, गोल गोल टिक मार्क करना है, ऐसे बस गोल गोल टिक मार्क करना है, ए बी सी वहाँ पे टिक करना है, बस एक घंटा का टाइम देते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, उसको आपको पार करना है, पास करना है, पास कर गए पास। इसके बाद मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो तुम्हें रिक्रूटमेंट डे के दिन ले जानी पड़ेगी, मास बी, वो है तुम लोगों का सर्टिफिकेट और मार्कशीट क्लास 10 और क्लास 12 के, ओरिजिनल और जेरोक्स, 4-4 कॉपी जेरोक्स ले जाना हर मार्कशीट और सर्टिफिकेट के, क्लास 10 और क्लास 12 के, एकदम मत भूलना, ओरिजिनल के साथ साथ जेरोक्स, और चाहे तो अटेस्टेड करा लेना, अटेस्टेड भी मांगते हैं। और उसके बाद और वो लोग एक चीज मांगते हैं, वो नेसेसरी है, वो है पीआरसी, परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, वो तुम लोगों को डीसी ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ही लाना पड़ेगा, तो पहले ही बनवा के रखना, उसे बनने में बहुत टाइम लगता है, तो वो बना के रखना, परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, वहां पे वो लोग मांगेंगे, उसका भी जेरोक्स कर लेना। और उसके बाद तुम लोगों को जरूरत पड़ेगी पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी, मतलब तुम्हारा जो पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी है वो ले जाना, कम से कम 10 कॉपीज पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी ले जाना रिक्रूटमेंट डे के दिन, तो हर जगह पे चिपकाना पड़ रहा है वो। और बाद में जब तुम पास करके जाओगे तो वहां पे तुम्हें 7 कॉपीज या कुछ इस तरह की लग जाती है पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी, तो वहां पे और तुम्हें गड़बड़ी नहीं करनी है, वरना कुछ भी कर सकते हो, वो लोग निकाल भी सकते हैं, तो ध्यान रहे पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी 10 कॉपी 12 कॉपी 15 कॉपी ले जाना, इतना वो लोग मांगेंगे, तो ठीक है, ये ध्यान से सुनना। और तुम्हारे पास पान कार्ड है तो पान कार्ड भी ले जाना, और एडमिट कार्ड ले जाना मत भूलना, अगर ऑनलाइन है तो, अगर ओपन रिक्रूटमेंट अली ओपन है तो वहां पे तो जो एडमिट कार्ड है डायरेक्ट वहीं पे बनता है, लेकिन अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन इस तरह की कुछ है तो एडमिट कार्ड ले जाना मत भूलना। और मैं अपनी तरफ से एक तुम लोगों को पर्सनल एडवाइस देने वाला हूं, रिक्रूटमेंट डे के दिन 2 वाटर बोतल उसमें ग्लूकोज भी मिला के, और खाने पीने की चीज पहले ही पैक करके ले जाना बैग में भरा के, और इतना बड़ा बैग लेके नहीं जाना है, वीआईपी से भी एक, मतलब तुम स्कूल और कॉलेज में जो यूज करते हो उस तरह का एक बैग ले जाना, उसमें ठूस ठूस के भरा के ले जाना, मतलब एक हाफ पैंट ले जाना, और जो बाकी तो तुम बनियान वो सब तो पहन के ही आते हो, बस एक हाफ पैंट और वैसा ही कुछ ले जाना, किताब शिताब ले जाने की कोई जरूरत नहीं, वहां पे पढ़ के तुम नहीं सीख सकते हो, पहले ही वो सब प्रिपेयर करके आना। और तुम्हें एक अच्छा सा होटल आसपास के अच्छा से होटल में जाकर होटल बुक करना है, ज़्यादा फीस नहीं लेंगे, 500 600 700 या 1000 में मिल जाएंगे, तो ठीक है तुम ये आजमाना, दूसरों के घर में जाके नहीं रहना है, एक होटल में रहना अच्छा सा, एक होटल में उसका जो आसपास की जो एरिया में होगा, तो ठीक है ये बात तुम अच्छी तरह। और एक बात, अगर ओपन रैली हुई तो रिक्रूटमेंट डे के दिन ओपन रैली के दिन तुम्हें जाके 3 बजे ही जाके लाइन में खड़े हो जाना है, 3 बजे सुबह के 3 बजे, वरना तुम्हें पहले के जो लाइन है उनके रखेंगे, और जो पिछले वाले होंगे उनको गेट आउट कर देंगे, उन लोगों को नहीं मतलब बख्शेंगे, मतलब एक बार फिलअप हो गया तो पिछले जो बाद में जो लाइन में रहते हैं उन लोगों को निकाल देते हैं। और एक बार अगर तुम्हारा एडमिट कार्ड मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन पहले से तुम्हारे पास एडमिट कार्ड है तो तुम्हें 1 घंटा पहले ही जाके हाजिर होना है, मतलब 1 घंटा पहले जाके हाजिर होना है, एकदम टाइम टू टाइम नहीं जाना है, मतलब 6 बजे उन लोगों ने लिखा है एडमिट कार्ड में 6 बजे जाके नहीं पहुंचना है, 1 घंटा पहले ही, और ओपन रैली का मैंने बोल ही दिया है, एकदम 3 बजे सुबह के 3 बजे जाके लाइन में खड़े हो जाना है, एकदम तुम्हें पहले ही तुम्हें देखना है, अगर तुम उन 100 देशों में हो ही नहीं, 100 देशों में हो तुम, उन अगर वहाँ का लाइन अगर बड़ा होते जा गया तुम लोग पिछले वाले जो होंगे उनको भगा देंगे, वो जाके एंट्रा ही नहीं हो पाएंगे, भले ही तुम्हारे साथ सारे जो डॉक्यूमेंट है वो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछले वाले जो होंगे उसे निकाल देंगे, तो ठीक ध्यान रहे ये बात, 3 बजे ही तुम्हें उठना है। मैं लास्ट चीज बोल देता हूँ,
इंडियन आर्मी के जो सोल्जर के रिक्रूटमेंट होते हैं वो दो स्टाइल में होते हैं, एक ओपन रैली होता है और एक ऑनलाइन और ऑफलाइन एक ही स्टाइल में होता है। अगर आप ऑनलाइन फिलअप करोगे तो आपका एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन ही आएगा, अगर आप ऑफलाइन एप्लीकेशन एनवलप में भरा के भेजोगे पोस्ट ऑफिस से तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो पोस्ट ऑफिस से ही आएगा। तो ध्यान रहे आपको पोस्ट ऑफिस में जाके चेक करते रहना है, और अगर आप ऑनलाइन फिलअप कर रहे हो तो आपको इंटरनेट में जाके चेक करते रहना है कि मेरा एडमिट कार्ड आया कि नहीं आया। तो ठीक है, और जब आप ऑफलाइन एप्लीकेशन भेजोगे तो जो आप एनवलप में जो एप्लीकेशन भरा के भेजोगे उसके साथ साथ आपको ये एक छोटा सा एनवलप भी उसके बड़े से एनवलप के अंदर भरा के भेजना है, मतलब उसी में वो लोग आपको आपका जो एडमिट कार्ड है वो भरा के भेजेंगे अगर आप ऑफलाइन भेजोगे तो, और आप उसमें आपका सेल्फ एड्रेस लिख के भेजना है। और जो पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं जो स्टाम्प होता है 5-5 रुपये का, ऐसा 2 स्टाम्प उसमें भरा के भी भेज देना, 5-5 रुपये मतलब 10 रुपया लगेगा। तो जब आपका रिक्रूटमेंट डे नज़दीक आएगा तो कुछ दिन पहले वो लोग आपको उसी एनवलप में जो आप लोग आप भेजोगे छोटा सा उसी में आपका जो एडमिट कार्ड है वो भेज देंगे। तो ध्यान रहे ये भेजना मत भूलेगा। और फाइनल सीज, जब आप रिटेन टेस्ट पास करोगे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करोगे और मेडिकल टेस्ट में पास हो जाओगे, सब पास होने के बाद वो लोग आपके बोल के आप पास हो गए वहां पे, उसके ठीक 4 महीने बाद या 6 महीने के बाद आपका आप लोगों का मेरिट लिस्ट आएगा, और मेरिट लिस्ट में आप लोग अपना नाम ढूंढिएगा, वो शायद इंटरनेट में भी देंगे या आपको फोन भी कर देंगे, अगर आपने फोन वहां पे दिया है तो फोन तो आपको देना ही पड़ेगा वहां पे, फोन नंबर अपना ईमेल नंबर जो भी आपका जो सेल्फ एड्रेस है वो सब अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, वो सब वहां पे लिखना पड़ेगा जब आप सब पास करोगे, तो ये सब आपको ध्यान से लिखना है, तो आपको वो लोग फोन भी कर देंगे कि आपका मेरिट लिस्ट आया है, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, और उसके के कुछ ही दिनों बाद अपॉइंटमेंट लेटर जब आएगा वहां पे ज्वाइनिंग डेट लिखा होगा, तो यहाँ जाके देहरादून में जाना पड़ेगा या कुछ इस तरह का चेन्नई में जाना पड़ेगा, तो वहां पे जाके आप लोगों को आपका ट्रेनिंग होगा, तो वहां पे आपको जब ज्वाइन करेंगे और ट्रेनिंग जब पास करेंगे तो आप इंडियन आर्मी का जो सोल्जर है आप बन चुके होंगे। तो ध्यान रहे ये बात मैंने जो आपको बोला है, तो आशा कर रहा हूं कि आप लोग मेरा जो सिखाई हुई बात है वो अच्छी तरह से फॉलो करेंगे।